नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अगर आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 T20 2024 के पहले T20 महामुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाज पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट 500 लाइक है। दोस्तों जब मैच का टॉस उड़ाया गया तब भारत के कप्तान शुभम गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर बनाने के इरादे से बल्लेबाजी करने शुरू कर दी, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी कोई कसर नहीं छोड़ा और जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 115 रन पर 9 विकेट गिरा दिए और अब भारत के टीम को जीत के लिए 116 रन की लक्ष्य मिला। अब भारतीय टीम से ओपनिंग करने अभिषेक शर्मा और शुभम गिल मैदान में उतरे, लेकिन अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए और अब जिम्मेदारी शुभम गिल के कंधों पर थी, लेकिन शुभम गिल के साथ देने के लिए कोई भारतीय बल्लेबाज जिम्बाब्वे के गेंदबाज के सामने टिक नहीं पा रहे थे और शुभम गिल के भी कोई पार्टनरशिप स्कोर अच्छा नहीं बन पा रही थी और शुभम गिल ने 29 बॉल में शानदार 31 रनों का पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़, रेहान पराग, रिंकू सिंह और जुड़े चारों खिलाड़ी 15 रन ही बना पाए। तब बल्लेबाजी करने भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर आकर पारी को संभाला और भारत को जीत के लिए उम्मीद पर खड़ा कर दी। अब 6 बॉल में जीत के लिए 16 रन की आवश्यकता थी भारत को स्ट्राइक पर वाशिंगटन सुंदर, वहीं नन स्ट्राइक पर खलीफ अहमद थे और भारत के पास एक विकेट ही बचा था। 9 विकेट खो चुके थे भारत। जिम्बाब्वे की तेज गेंदबाज चत्रा 20वें ओवर कराने के लिए आए और चत्रा पहले बॉल लेकर चले सामना करेंगे वाशिंगटन सुंदर और इस बॉल को पढ़ नहीं पाए और यह बॉल चूक हो गए। अब भारत को जीत के लिए 5 बॉल में 16 रन चाहिए। वहीं दूसरी बॉल पर भागकर 2 रन लिए। अब भारत को 4 बॉल में 14 रन जीत के लिए चाहिए। अभी भी भारतीय टीम को जीत की उम्मीद है जब तक सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन तीसरा और चौथा बॉल पर कोई रन नहीं ले पाए। अब भारत को 2 बॉल में 14 रन चाहिए। अगर भारतीय बल्लेबाज 2 बॉल पर 2 छक्का भी लगाते हैं तो 12 रन ही बना पाएंगे, इसलिए भारत को अब हार का सामना करना पड़ेगा। अगर गेंदबाजी में चूक होती है और 9 बॉल या वाइट होता है तो भारत का जीत का उम्मीद हो सकता है, लेकिन ये क्या चौथे बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए वाशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभम गिल को जिम्बाब्वे के खिलाफ फर्स्ट 220 में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में हार का गुनाहगार कौन है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। शुभम गिल ने दूसरा T20 मैच में क्या परफॉर्मेंस करते हैं और अपने टीम में बदलाव करते हैं, यह सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हर एक मैच का फुल हाईलाइट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा। धन्यवाद।